तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। तो दोस्तों आज आ चुका है रविवार 19 जून 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून के अगले 24 घंटे में सक्रिय होने के आसार हैं। जहां मौसम विज्ञान की माने तो हरियाणा से नागालैंड तक, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम से होते हुए उत्तर पश्चिम ट्रफ रेखा, उत्तर पूर्व बिहार से ओडिशा की ओर गुजरने से बिहार में मानसून की गतिविधियों में थोड़ी सी तेजी के आसार हैं। जहाँ उत्तर पूर्व जिलों में अपना प्रभाव दिखाने वाला मानसून अगले 24 घंटे के दौरान पटना, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में अपना प्रभाव दिखाएगा। इन जिलों में गरज के साथ बिजली चमकने और हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं सीमांचल क्षेत्र के 5 जिलों सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, अररिया और कटिहार जिले के 1-2 स्थानों पर गरज के साथ भारी वर्षा को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन कल यानी कि शनिवार को 100वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। जहां इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में स्थित आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मां के पैर पखाड़े और उपहार में शॉल भेंट की। यहाँ हीराबेन का जन्म 18 जून 1923 को हुआ था और उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने 6 बच्चों को पाला। यह पीएम मोदी के लिए भी माँ से बढ़कर कुछ नहीं है, वे वैश्विक मंचों पर भी अपनी माँ के संघर्ष को याद करना नहीं भूलते। जहाँ ऐसा ही कुछ अमेरिका में हुआ था जब वे माँ के संघर्षों को याद करके भावुक हो उठे थे यानी कि रो पड़े थे। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन ने बड़े संघर्षों से अपनी संतान को पाला है। उन्होंने दूसरे के घरों में काम किया है और उनके कपड़े धोए हैं। जब फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मेरे पिताजी के निधन के बाद माँ हमारा गुजारा कराने और फिर पेट भरने के लिए दूसरों के घरों में जाकर के बर्तन साफ करती थी और पानी भरती थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि उनकी माँ की उम्र 90 साल से अधिक हो गई है, जब फिर भी वे अपना काम खुद करती है। वह पढ़ी लिखी नहीं है, जब उन्हें टीवी पर देख करके देश और दुनिया में घट रही घटनाओं के बारे में पता चलता है। आपको बता दूं कि हाल ही में संपन्न हुए 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली जीत के बाद पीएम मोदी ने गुजरात पहुंच करके अपनी मां से आशीर्वाद लिया था। जब पीएम मोदी के साथ उनकी मां की तस्वीरें लोगों के दिलों को छू लेती है। दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में मोदी सरकार ने सेना भर्ती में बड़ा बदलाव किया है, जिसके लिए अग्निपथ स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाएगा, फिर उन्हें एक निश्चित फंड देकर के रिटायर भी कर दिया जाएगा। इस योजना का देश भर में विरोध हो रहा है, साथ ही राजनीतिक दल भी युवाओं के समर्थन में आ गए हैं। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस स्कीम को लेकर के मोदी सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि 8 सालों से लगातार बीजेपी सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे, ठीक उसी तरीके से उन्हें माफी वीर बनकर के देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ स्कीम को वापस लेना ही पड़ेगा। इससे पहले राहुल गांधी ने लिखा था कि अग्निपथ नौजवानों ने नकारा, कृषि कानून किसानों ने नकारा, नोटबंदी अर्थशास्त्रियों ने नकारा, जीएसटी व्यापारियों ने नकारा, देश की जनता क्या चाहती है ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने मित्रों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ योजना का देश के कई राज्यों में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस योजना के विरोध में बिहार में कल बंद का आह्वान किया गया था। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेतृत्व में विपक्षी दल ने बिहार बंद का आह्वान किया। इस दौरान बिहार में अलर्ट है, जहाँ किसी अनहोनी से बचने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया है। इसके बावजूद भी बिहार के कई स्थानों से बवाल की खबरें सामने आ रही है। हालांकि अलग अलग जिलों में अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां तैनात की गई है, जहाँ कई जिलों में ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। वहीं सुबह से ही पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह और एमएलसी मानवजीत सिंह ढिल्लो पटना की सड़कों पर दौरा कर रहे हैं। पटना में तो हालात नियंत्रण में दिख रहा है, लेकिन अन्य जिलों में कुछ छिटपुट हिंसा की खबरें सामने आ रही है।
दोस्तों बात करते हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर के बिहार में लगातार युवाओं का प्रदर्शन जारी है। जहां छात्रों के आंदोलन के कारण ट्रेनों से लेकर के सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है। जहां इस आंदोलन का इतना व्यापक असर पड़ा है कि कई दूसरे कार्यक्रमों को भी रद्द करना पड़ा है। जब पटना में महाराणा वीर कुंवर विचार मंच की तरफ से कल यानी कि 18 जून को पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया जाना था, लेकिन अब इसे कैंसिल कर दिया गया है। जब बिहार के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि को इस सम्मान समारोह में आमंत्रित किया गया था, जहाँ क्षत्रिय समाज से चुनकर के पहुंचे पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान पटना के बापू सभागार में किया जाना था। जहाँ जनता दल से जुड़े नेताओं ने इसका आयोजन किया था। जहाँ JDU के विधान पार्षद और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह ने इस पूरे आयोजन की रूपरेखा तैयार की थी, लेकिन छात्रों के आंदोलन को देखते हुए उन्होंने सम्मान समारोह को कैंसिल कर दिया है। जहाँ संजय सिंह ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इस आयोजन को स्थगित करना ही बेहतर विकल्प था। जहाँ उन्होंने छात्रों की मांगों पर सरकार से उदारतापूर्वक विचार करने की अपील की है। दोस्तों बात करते हैं कि अग्निपथ स्कीम को लेकर के बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में मचे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जब केंद्र सरकार की इस घोषणा के मुताबिक अब अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों और फिर असम राइफल्स में नौकरी के लिए 10% का आरक्षण दिया जाएगा। जहाँ इस बात की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दी गई है। जहाँ इसके साथ ही सरकार ने भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का भी निर्णय लिया है। जी हाँ, इस योजना के पहले बैच की आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय से किए गए ट्वीट में लिखा गया है कि गृह मंत्रालय ने CAPFS और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% खाली पड़े पदों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का कल शनिवार 18 जून को 100वां जन्मदिन था। जहां इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबेन से मिलने उनके गांधीनगर में स्थित आवास पर पहुंचे थे। जब पीएम मोदी ने मां से मिलकर के उनका आशीर्वाद लिया और उनके पैर धोए, इसकी तस्वीरें पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। जहां इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी मां के लिए एक ब्लॉग भी लिखा है, जिसमें पीएम मोदी ने अपने माता पिता से जुड़ी कई बातें और फिर बचपन के दिनों को याद किया है। ऐसा पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिता का जिक्र किया है। इस ब्लॉग में पीएम मोदी ने एक अब्बास नाम के शख्स का भी जिक्र किया है जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। पीएम मोदी द्वारा शेयर किए गए ब्लॉग में उन्होंने बताया है कि उनका बचपन एक अब्बास नाम के मुस्लिम बच्चे के साथ बीता है। पीएम मोदी ने बताया है कि अब्बास उनके पिता के दोस्त का बेटा था जो बचपन में उनके साथ एक ही घर में रहता था। पीएम मोदी ने ब्लॉग में लिखा है कि माँ हमेशा दूसरों को खुश देख करके खुश रहा करती है। घर में जगह भले कम हो लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर एक गांव था जिसमें मेरे पिताजी के बहुत करीबी दोस्त रहा करते थे, जहां उनका बेटा था अब्बास। पीएम मोदी आगे लिखते हैं कि दोस्त की असमय मृत्यु के बाद पिताजी अब्बास को हमारे घर पर ही ले आए थे। एक तरह से अब्बास हमारे घर में ही रह कर के पड़ा है। हम सभी बच्चों की तरह माँ अब्बास की भी बहुत देखभाल करती थी। ईद पर माँ अब्बास के लिए उसकी पसंद का पकवान बनाती थी। त्योहारों के समय आसपास के कुछ बच्चे हमारे यहाँ ही आकर के खाना खाते थे। उन्हें भी मेरी माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद था। आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी मुस्लिम शख्स के साथ जुड़ी हुई अपनी यादों का जिक्र किया हो। जब पीएम मोदी ने पिछले साल सितंबर 2021 में ताले वाले मुस्लिम मेहरबान की एक कहानी भी बताई थी। पीएम मोदी ने अपने बचपन की कहानी सुनाते हुए कहा था कि ये बात तकरीबन 50 से 60 साल पुरानी होगी। अलीगढ़ से जो सेल्समैन होते थे उसमें एक मुस्लिम मेहरबान भी थे। जब वे हर 3 महीने हमारे गांव में आते थे, जब मुझे आज भी याद है कि वे काली रंग की जैकेट पहनते थे और सेल्समैन के नाते दुकान में हमेशा अपना ताला रख जाते थे, फिर 3 महीने बाद आकर के अपने पैसे ले जाते थे, गाँव के अगल बगल के व्यापारियों के पास जाते थे। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में सरकार कृषि को बढ़ावा देने पर विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के माध्यम से काम कर रही है, जिसने कृषि क्षेत्र के हालात में बदलाव आ रहा है। साथ ही किसानों की आयु बढ़ रही है। बीते 8 साल के दौरान देश के कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। कृषि को टिकाऊ बनाते हुए विद्यमान चुनौतियों का प्राथमिकता से समाधान किया जा रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह बातें कही है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों को आय सहायता देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अभी तक 11.5 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा राशि कर
कराई जा चुकी है। ये दुनिया में मोदी सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। 1,00,000 करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सहित 1,50,000 करोड़ रुपये से अधिक के विशेष पैकेज से कृषि क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार की किसान हितैषी नीतियों तथा किसानों और वैज्ञानिकों की मेहनत कुशलता का परिणाम है कि आज कृषि उत्पादकों की दृष्टि से भारत एक संपन्न राष्ट्र है और प्रतिकूल समय में भी भारत ने अन्य देशों को खाद्य की आपूर्ति की है। अधिकांश कृषि उत्पादों के उत्पादन की दृष्टि से आज विश्व में भारत पहले या फिर दूसरे क्रम पर है। यहाँ वही देश से 4,50,000 करोड़ के कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ था, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। दोस्तों बात करते हैं कि दुनिया में मंदी की आहट के चलते कच्चे तेल के दामों में तेजी से गिरावट आई है। जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में 7% की तेजी से गिरावट आई है। जहां ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम 6.69% गिरावट आई है। जहां $113.1 प्रति बैरल के कारोबार कर रहा है। जाहिर है कच्चे तेल के दामों में ये गिरावट भारत के लिए राहत की खबर है, खासतौर से सरकारी तेल कंपनियों के लिए जो पेट्रोल डीजल फिलहाल नुकसान पर बेच रहे हैं। जहां देश में 21 मई को केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। जहां इसके बाद 22 मई को पेट्रोल डीजल के रेट में कटौती हुई थी। हालांकि उसके बाद से देश में पेट्रोल डीजल की रेट स्थिर है और इस तरह आज लगातार 25वां दिन है जब पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एकीकृत उद्यानिक विकास योजना के तहत अंतर्वर्ती फसल योजना में ओल, हल्दी और अदरक की खेती पर 50% तक अनुदान दिया जा रहा है। जब बिहार के सीतामढ़ी, भागलपुर, सहरसा, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय जिलों के किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें अनुदान कितना मिलेगा, तो अदरक की एक यूनिट की खेती करने में 76,000 रुपये की लागत आती है। सरकार लागत का 50% यानी कि 38,000 रुपये अनुदान के रूप में देगी। जहां ओल की एक यूनिट की खेती करने पर 82,000 रुपये की लागत आती है, इस पर सरकार 50% यानी कि 41,000 रुपये अनुदान में देगी। जहां अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को कम से कम 0.36 हेक्टेयर यानी कि 90 डिसमिल जमीन पर खेती करनी होगी। हल्दी की खेती पर प्रति यूनिट 22,000 की लागत आती है, जहां जिस पर सरकार 11,000 अनुदान देगी। जहां एक किसान को तकरीबन 2 यूनिट पर लाभ दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए आप www.horticulture.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं और खेती किसानी में अपना लाभ ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यह तीनों पेर की छांव में भी उग सकती है। इसके लिए किसानों को अलग से खाली खेत छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। लीची, आम और इमारती लकड़ी के बगीचे या फिर अमरूद के बगीचे में 40% जमीन पर पेड़ लगाए जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि वाराणसी के आलोक कुमार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जब वाराणसी में रहकर के इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले आलोक कुमार जल्द ही स्टडी टूर के लिए नासा जाएंगे। जहाँ 3 दिन के इस स्टडी टूर पर आलोक नासा में काम करने वाले भारतीय साइंटिस्ट से मुलाकात के साथ ही जो वैज्ञानिक वहाँ काम कर चुके हैं उनके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। आपको बता दूं कि आलोक के पिता बिहार में किसानी का काम करते हैं और वे खुद भी अपने साथ इस टूर पर जाएंगे। आलोक कुमार सिंह ने बताया है कि जो भी स्टूडेंट एरोस्पेस में जाने की हसरत रखते हैं उनके लिए नासा जाना एक सपना होता है, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मेरा चयन इसके लिए हुआ है और मुझे 3 दिन की स्टडी टूर पर नासा जाने को मिलेगा। जहाँ इतनी कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने के लिए मेरे पिता, माता पिता और फिर शिक्षकों ने मेरी बहुत मदद की है। आलोक ने बताया है कि जून 2021 में उन्होंने इसके लिए आवेदन किया था, जहाँ जिसके बाद उस परीक्षा हुई तो फिर स्कॉलरशिप योजना में उनका चयन हुआ और फिर अब उनके अच्छे रैंकिंग के कारण उन्हें नासा स्टडी टूर पर अक्टूबर के 2 सप्ताह में भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराने वाले निजी इंस्टीट्यूट द्वारा आकाश नेशनल टैलेंट एंड एग्ज़ाम होता है। इस एग्जाम में टॉप 5 छात्रों को फ्री स्टडी टूर के लिए नासा भेजा जाता है, जहां वाराणसी के आलोक कुमार भी इसमें से एक शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 18 जून को वाम दलों के द्वारा आरजेडी समर्थित बिहार बंद के पहले ही नीतीश सरकार ने 12 जिलों में इंटरनेट सेवा पर लगाम लगा दिया था। जहां इस दौरान इन जिलों में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप समेत 22 साइट और ऐप्स पर अगले 3 दिन तक प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहीं इस दौरान यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड पर भी रोक लगा दिया गया है। जहां गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने इंटरनेट के जरिए मैसेज के आदान प्रदान पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी कर दिया। जहां अग्निपथ को लेकर के हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए कई जिलों की इंटरनेट सेवा पर यह प्रतिबंध लगाया गया। जहां इस दौरान आरा, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, सारण, वैशाली, वेस्ट चंपारण, नवादा, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, रोहतास और बक्सर जिलों में इंटरनेट सेवा अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई। गृह विभाग के निर्देश पर सभी सर्विस
प्रोवाइडर ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेज करके और अस्थायी तौर पर इंटरनेट सेवा बंद किए जाने की घोषणा भी कर दी। यह पहला मौका है जब सरकार ने एक साथ बिहार के कई जिलों में इंटरनेट और टेलीफोन मोबाइल सेवा को बंद करने का फैसला किया। यह सरकार के इस फैसले के मुताबिक एक साथ 12 जिलों में इंटरनेट टेलीफोन मोबाइल सेवा के साथ सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म को भी 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कई हिस्सों में लगातार 4वें दिन भी अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा। जब बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD प्रदेश में सत्ता में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सेकुलर और विकासशील इंसान पार्टी सहित अलग अलग राजनीतिक दलों ने बिहार बंद को अपना समर्थन दिया। इसके अलावा राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर जनअधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। डाक बंगला चौराहे पर पहुंचते ही पप्पू यादव के समर्थकों ने डाक बंगला चौराहे पर बीच सड़क पर बैठ करके धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जाप नेता अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग करते नजर आए। उधर रेलवे ने नुकसान की आशंका को देखते हुए कई ट्रेनें या फिर तो रद्द कर दी या फिर उनका परिचालन रोक दिया गया। इस बीच बिहार सरकार ने शुक्रवार को अग्निपथ योजना के मुद्दे पर राज्य भर में हुई व्यापक हिंसा की पृष्ठभूमि में 12 जिलों में 19 जून तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दी। दोस्तों बात करते हैं कि अग्निपथ स्कीम को लेकर के कल शनिवार को बिहार में छात्र संगठनों ने बिहार बंद करने का आह्वान किया। जब सुबह से बिहार की राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में प्रदर्शन किया। जब बिहार बंद को RJD VIP हम कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने समर्थन दिया। इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने BJP और RSS पर बड़ा हमला बोला है। जब तस्वीर शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने सेना और किसानों का मुद्दा उठाया है। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत किसानों और जवानों का देश है। RSS और भाजपा इन दोनों के ही विरोधी हैं। जैसे शुक्रवार को भी तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल किया था। उन्होंने लिखा था कि 4 साल के ठेके पर बहाल होने वाले अग्निवीरों को 1 साल में क्या नियमित सैनिक की तरह 90 दिनों की छुट्टियां मिलेगी या नहीं। जब अग्निपथ योजना अगर न्याय संगत है तो फिर इसमें ठेके पर अफसरों की भर्ती क्यों नहीं, केवल ठेके पर सैनिकों की ही भर्ती क्यों, क्या शिक्षित युवकों के लिए ये मनरेगा है। या इससे पहले तेजस्वी यादव ने अग्निपथ योजना को ठेका प्रथा बताया था। या दरअसल सेना में शॉर्ट टर्म भर्ती की नई योजना को लेकर के छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद बिहार में ज़्यादातर पार्टियाँ छात्रों की मांगों का समर्थन कर रही है। जैसे सीएम नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने भी केंद्र सरकार से इस योजना पर पूर्ण विचार करने की मांग की है। वहीं RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार बंद के आह्वान का नैतिक तौर पर समर्थन करती है। दोस्तों बात करते हैं कि अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में बवाल मचा हुआ है। जब वहीं बिहार में भी मोदी सरकार की इस स्कीम को लेकर के उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के प्रशासन सख्त हो गया है और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। जब व्हाट्सएप पर मैसेज और व्हाट्सएप फोटेज के आधार पर अब तक 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जब शनिवार को बिहार के DGP SK सिंघल ने बताया है कि अब तक 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि इस मामले में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जब DGP SK सिंघल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जैसा पहले कभी नहीं हुई है। जब पटना के DM चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के मोबाइल उपकरणों पर कुछ कोचिंग सेंटरों के वीडियो फुटेज और व्हाट्सएप संदेश मिले हैं, जिसके आधार पर कोचिंग सेंटरों की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि हिंसक प्रदर्शन के मामले में पटना में अब तक दोषियों की पहचान करके 86 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सुरक्षा बलों को अलर्ट जारी कर रखा गया है और अगर पड़ी तो फिर इंटरनेट सेवाएं भी पटना में बंद की जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि हमारे घरों में आसानी से उपलब्ध कई चीज़ें सेहत को अविश्वसनीय लाभ प्रदान करती है। हम रोजाना भोजन के लिए कई सारे मसालों और फिर औषधियों को प्रयोग में लाते हैं, जब पर कि आप जानते हैं कि ये आपके लिए कितने लाभकारी हो सकते हैं। जब आयुर्वेद में रोजाना प्रयोग में लाए जाने वाले तमाम औषधियों और फिर मसालों के गुणों का जिक्र मिलता है। जब इनका सेवन करके आप कई तरह की गंभीर बीमारियों के जोखिम को भी कम कर सकते हैं। जीरा ऐसा एक लोकप्रिय मसाला है जो न सिर्फ भोजन को स्वादिष्ट बनाने के काम आता है, साथ ही इसका सेवन पेट से लेकर के इम्यूनिटी तक को बेहतर बनाए रखने के लिए कई वर्षों से प्रयोग में लाया जाता है। जहाँ आयुर्वेद में जीरा का पानी पीने के अद्भुत स्वास्थ्य लाभ का जिक्र मिलता है। विशेष रूप से सुबह खाली पेट इसका नियमित सेवन करने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं में आपके लिए लाभकारी हो सकता है। जीरा में पोटेशियम और आयरन जैसे पोषक तत्वों की भी उपलब्धता होती है, जो आपके शरीर को निरंतर कार्य करने में काफ़ी मदद कर सकती है।
दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के सत्तारूढ़ दल और विपक्षी खेमे दोनों में विचार विमर्श चल रहा है, जहां ऐसे में लगता है कि भाजपा कुछ नामों तक सिमट कर रह गई है। जहां सूत्रों ने कहा है कि पार्टी घरेलू राजनीति और फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को ध्यान में रखते हुए विकल्पों पर विचार कर रही है। जहां सूत्रों ने बताया है कि पार्टी राष्ट्रपति पद के लिए झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के नामों पर विचार कर रही है। पार्टी का संसदीय बोर्ड एनडीए के भीतर विचार विमर्श के बाद अगले सप्ताह उम्मीदवार के नाम पर अंतिम विचार करेगा। सूत्रों ने कहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए आदिवासी समुदाय गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा का मुख्य फोकस क्षेत्र है, जहां आदिवासी वोट भाजपा की योजनाओं की कुंजी है और अभी तक देश में कोई आदिवासी राष्ट्रपति भी नहीं रहा है। जहां इस लिहाज से मुर्मू आदिवासी और फिर महिला दोनों वर्ग में फिट हो सकते हैं, जहां और भाजपा कह सकते हैं कि इसने समुदाय को सशक्त बनाया है और इसका उसे स्पष्ट तौर पर चुनावी लाभ मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी हाल के घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सरकार की छवि को बेहतर रखने के लिए फिट हो सकते हैं। जहां इस मुद्दे पर दोहा में स्थित दूतावास को एक बयान जारी करना पड़ा और भाजपा को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। मुख्य चेहरा और इस्लामी दुनिया के जानकार आरिफ मोहम्मद खान पिछले कई सालों से अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे पर भाजपा का बचाव करते रहे हैं। जहां एएमयू के एक पूर्व छात्र संघ नेता आरिफ मोहम्मद खान राजीव गांधी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गया जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां दरिंदों ने एक 13 साल की नाबालिग का अपहरण करके गलत काम किया है और उसके दर्दनाक तरीके से हत्या भी कर दी। जहां हैरान कर देने वाली बात यह है कि हैवानों ने बच्ची की हत्या उसके पिता के सामने में ही की है। जहां इसके बाद पिता पर भी जानलेवा हमला कर दिया। जब चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर के मौके पर आसपास के लोग पहुंचे तो फिर आरोपी भाग गए। दरअसल ये शर्मनाक और खौफनाक घटना शुक्रवार देर रात गया जिले के एक गांव से सामने आई है, जहां गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में बंद पड़े एक मकान में दो युवकों ने अपने गाँव के ही बच्चे के साथ दरिंदगी की। जहाँ इसी दौरान पास के एक खेत में पीड़िता के पिता काम कर रहे थे, जहाँ जब उन्होंने बच्चे की चीखने की आवाज़ सुनी तो फिर वे घर के अंदर पहुँचे। जब उन्होंने देखा तो फिर उनकी बेटी बिना कपड़ों की जमीन पर मिन्नतें कर रही थी और आरोपी हैवानियत को अंजाम दे रहे थे। मृतक के पिता ने आरोपियों के खिलाफ इमामगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। पिता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया है कि देर रात में बच्ची की चीखने की आवाज़ सुनकर के पहुँचा तो फिर गाँव के दो लड़के मेरी बेटी के साथ हैवानियत कर रहे थे। मेरे पहुँचते ही वह उसकी चुनरी से गला घोटने लगे। जब मैंने रोकने की कोशिश की तो फिर दोनों ने मेरे साथ भी मारपीट करने लगे। जब किसी तरह मैं वहां से भागा और फिर गांव के लोगों को बुला करके लाया, लेकिन तब तक बच्चे की जान जा चुकी थी। जब मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, सब बरामद करके जाँच शुरू कर दी है। जब वहीं जाँच पड़ताल कर रहे थानाध्यक्ष नैयर एजाज अहमद ने बताया है कि हत्या का मामला संदिग्ध है, फिलहाल जाँच की जा रही है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना की अग्निवीर सेना भर्ती के विरोध में गुरुवार और शुक्रवार को हिंसक प्रदर्शन के बाद शनिवार को छात्र संगठनों ने भारत बंद बुलाया। जहां इस भारत बंद का आरजेडी महागठबंधन समेत कई दलों ने समर्थन भी किया। बिहार के कई जिलों से लगातार तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें सामने आ रही थी। इस बीच बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इस प्रदर्शन को प्रायोजित साजिश बताया है। या डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि ये केंद्र सरकार की एक अच्छी योजना को बदनाम करने का प्रयास है। जहां संजय जायसवाल ने आगे कहा है कि बहुत दुख है कि कुछ युवा इन लोगों के जरिए बरगलाए जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आगे कहा है कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं को एक बार अग्निपक्ष और अग्निवीर के बारे में जरूर जानना चाहिए। जहाँ वहीं घर पर हुए हमले को लेकर के उन्होंने कहा कि उनके घर को उड़ाने की साजिश थी। जब भीड़ ने पेट्रोल डाल करके आग लगाने की भी कोशिश की। जहाँ वहीं संजय जायसवाल ने उपद्रवियों पर यक्षन को लेकर के कहा कि इस मामले में जैसी कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए थी वैसी नहीं करके की गई है। साथ ही संजय जायसवाल ने कहा कि युवा किसी भी बहकावे में ना आए, क्योंकि दूसरे देशों की तरह भारत भी अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करना चाहता है। इसी के लिए सरकार नागरिकों को ट्रेंड करना चाहती है। दोस्तों बात करते हैं कि युवाओं में देश प्रेम जगाने और फिर उन्हें अनुशासित बनाने के लिए केंद्र की योजना अग्निपथ का सर्वाधिक और हिंसक विरोध बिहार में देखने को मिल रहा है। जहां 300 से अधिक प्रदर्शनकारी अरेस्ट किए जा चुके हैं और 15 ट्रेनरों को फूंक दिए गए हैं। जहां बिहार पुलिस ने छात्रों से कानून अपने हाथों में न लेने का आग्रह किया है। इस हिंसक प्रदर्शन की मुख्य वजह छात्रों को कुछ नेताओं, मीडिया संस्थानों और फिर सोशल मीडिया मैसेज द्वारा भ्रमित होना बताया जा रहा है। जहां इसमें कुछ यूट्यूब चैनलों का भी नाम सामने आ रहा है। जहां पीआईबी
फैक्ट चेक ने सच तक नामक एक यूट्यूब चैनल की अग्निपथ योजना पर बने एक वीडियो के फैलाए जाने जा रहे झूठ का पर्दाफाश किया है। इस वीडियो में सेना की भर्ती प्राइवेट एजेंसी के द्वारा होना बताया गया था, जिसका PIB ने खंडन किया है। यह वीडियो अपने आप को सनौफ बिहार कहने वाले मनीष कश्यप ने बनाया है। 2 दिनों के भीतर इस वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है। वीडियो में युवाओं को भड़काते हुए कहा गया है कि सरकार ने देखा है कि युवा कुछ कर नहीं रही है। छात्रों को शिक्षा देने के नाम पर यश के झा नाम से यूट्यूब चैनल चला रहे एक अन्य यूट्यूबर इंजीनियर यश के झा ने भी अग्निपथ योजना के खिलाफ भ्रम फैलाया है। उन्होंने इस योजना का कोई माए बाप न होना बताते हुए कई गुमराह करने वाली बातें कही है। 2 दिनों में इस वीडियो को भी करीब 125,000 लोग देख चुके हैं। यश के झा ने अपने वीडियो में थंबनेल में ये अन्याय का कैप्शन लिखा हुआ है। वहीं फ्यूचर टाइम कोचिंग नामक एक यूट्यूब अकाउंट से भी इसी तरह की बातें कही गई है। इसमें काजल मैम कह रही है कि ये स्कीम युवाओं के लिए कैरियर के साथ एक मजाक है। आपको बता दूं कि इस चैनल के सब्सक्राइबर 1 मिलियन से ज्यादा है और वीडियो पर 2 दिनों में करीब 25,000 व्यूज आ चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन पर बिहार के डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि बिहार में स्थिति फिर से सामान्य हो रही है। तोड़फोड़ और आग घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र ने युवाओं के लिए एक अच्छी योजना बनाई है, जहां इससे उन्हें कई लाभ मिलेंगे। हम बिहार के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार के कई हिस्सों में लगातार 4थे दिन भी अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा। जहानाबाद जिले में शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे तेहता पुलिस चौकी के पास बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हुए और सुरक्षाकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक बाद में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी के अंदर खड़े एक ट्रक और फिर एक बक्स सहित कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वामपंथी अखिल भारतीय छात्र संघ यानी कि ISIA के नेतृत्व में छात्र संगठनों द्वारा आहूत राज्यव्यापी बंद के मद्देनज़र गया, बक्सर, जहानाबाद सहित राज्य के यानी कि बिहार के कुछ अन्य हिस्सों में शनिवार को सड़क परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई और आपात सेवाओं को छोड़कर के अधिकांश दुकानें और फिर अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। दोस्तों बात करते हैं कि सेना में नई भर्ती योजना यानी कि अग्निपथ को लेकर के देश भर में बवाल मचा हुआ है। यह पूरे देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह कई जगह रेलगाड़ियों में आग लगा दी गई है। यहाँ इस स्कीम का विरोध सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भी पहुंच गया है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके सेना में भर्ती की इस योजना की एक्सपर्ट कमेटी का गठन करके समीक्षा कराने की मांग की गई है। जी हाँ, कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि इस कमेटी का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को बनाया जाना चाहिए। यह कमेटी की ओर से यह समीक्षा होनी चाहिए कि यह भर्ती स्कीम सेना और देश की सुरक्षा पर क्या असर डालेगी, या इसके बाद ही इसे लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अर्जी में स्कीम के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों की भी SIT जांच की मांग की गई है। अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट SIT के गठन का आदेश जारी करे। ये कमेटी पता लगाए कि हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दूं कि अग्निपथ स्कीम का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कल बिहार में प्रदर्शनकारियों ने बंद बुलाया था, जहाँ इस बंद के दौरान भी बिहार में कई जगह हिंसा होने की खबर सामने आई थी। इस बंद को NDA में शामिल दल हिंदुस्तानी युवा मोर्चा समर्थन किया था। इसके अलावा VIP की ओर से भी सपोर्ट किया गया था। जहाँ अग्निपथ के विरोध में बढ़ते रोष के बीच कांग्रेस ने ऐलान किया है कि उसके सभी सांसद, कार्य समिति के सदस्य और पार्टी के अन्य तमाम पदाधिकारी जंतर मंतर पर रविवार को यानी कि आज प्रदर्शन करेंगे। जहाँ आज रविवार को कांग्रेस के नेता जुटेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के संयुक्त रोजगार समिति के प्रदर्शन के समर्थन का ऐलान किया है। जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दूं कि कई राज्यों में तो अग्निपथ स्कीम के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में अब तक के हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी अब हिंदी और इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कर सकेंगे। अनुदानित मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को हिंदी और इंग्लिश मीडियम की पुस्तकें फ्री में बांटी जाएगी। इसके लिए मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार ने समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जब बिहार के अनुदानित और मान्यता प्राप्त मदरसों में अधिकांश बच्चे उर्दू माध्यम से पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब बिहार सरकार ने मदरसों में भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कराने का फैसला किया है। जहाँ उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह ने इसके लिए दिशा निर्देश
आदेश जारी कर दिया है। सभी बेसिक शिक्षा पदाधिकारी को भेजे गए पत्र में रजिस्ट्रार का कहना है कि प्रदेश के अनुदानित मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम की पुस्तकें भी वितरित की जाएगी। जहाँ अनुदानित मदरसों में उर्दू माध्यम की पुस्तकें वितरित की जाती है, जबकि कुछ बच्चों हिंदी और इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ाई करना चाहते हैं। जहाँ परिषद के निरीक्षक ने हिंदी और इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करने वाले बच्चे के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां इसका सबसे अधिक असर बिहार में देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। जब बिहार के लखीसराय, जहानाबाद, छपरा, पटना समेत 19 जिलों में प्रदर्शन के दौरान हिंसक घटनाएं हुई है और ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। बिहार के कटिहार में एक प्रदर्शनकारी ने कहा है कि अगर आर्मी की भर्ती 4 साल के लिए होगी तो फिर नेताओं को भी 2 साल में बदलना चाहिए। जब मीडिया से बात करते हुए एक प्रदर्शनकारी ने कहा है कि हमारी सरकार से मांग है कि सेना में पुराने व्यवस्था से भर्ती की जाए। प्रदर्शनकारी ने कहा है कि अगर आर्मी में भर्ती 4 साल के लिए हो तो फिर नेता का कार्यकाल भी 2 साल का कर दिया जाए। जब नेताओं को पेंशन भी मिलता है, हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज जिले में शनिवार को बिहार बंद का असर नहीं रहा। जब किशनगंज बाजार पूरी तरीके से खुला रहा, अस्पताल, स्कूल आदि स्थलों पर सामान्य रूप से काम होता रहा, बस का परिचालन भी सामान्य रूप से होता रहा। जब किशनगंज शहर के गांधी चौक, डे मार्केट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में पुलिस के अधिकारी और जवान मुस्तैद रहे। जब मझिया रोड में बीजेपी कार्यालय में SSB के जवानों की तैनाती की गई थी। जब SDM अमिताभ गुप्ता, SDPO अनवर जावेद अंसारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर मुस्तैद नजर आए, लेकिन यहाँ पर कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं देखने को मिला। दोस्तों बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करना डिप्टी सेक्रेटरी को महंगा पड़ गया है, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ पोस्ट शेयर करने के आरोप में बिहार सरकार के एक डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी आलोक कुमार पर आरोप है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट के जरिए कुछ ऐसे विचार लोगों के साथ शेयर किए हैं जो भड़काऊ माने जाते थे। जहां इस संदर्भ में आर्थिक अपराध इकाई ने केस दर्ज किया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से चल रहे अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन में सोशल मीडिया का अहम योगदान दिख रहा है। जहां इस संदर्भ में बिहार सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ पोस्ट शेयर करने वालों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि झारखंड से बिहार पहुंचने वाले एक जड़ी बूटी बेचने वाला महिलाओं का एक गिरोह लगातार सक्रिय है। जब पुरुष इनकी जड़ी बूटियों के दीवाने हैं, ये महिलाएं ट्रेन से सवार होकर के वाया भागलपुर अपनी जड़ी बूटियों की सप्लाई करती है। इनकी जड़ी बूटी को पीते ही पुरुष तहलका मचाने लगता है, जहाँ वह अलग ही दुनिया में चला जाता है इस जड़ी बूटी को पीने के बाद, जहाँ कभी कभी उग्र भी हो जाता है। इसको लेकर कई खबरें पहले भी संज्ञान में आ चुकी है और इन महिलाओं की गिरफ्तारी भी पहले भी की जा चुकी है, लेकिन फिर से दोबारा जड़ी बूटी बेचने के दौरान ये महिलाएं पकड़े गए हैं। इसी साल फरवरी माह में अंतिम सप्ताह में झारखंड की 7 महिलाओं की गिरफ्तारी भागलपुर जंक्शन से की गई थी। इनके पास से बड़े पैमाने पर जड़ी बूटी मिली थी। ये वही जड़ी बूटी थी जिसकी पुरुषों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब एक दफ़ा फिर से इन महिलाओं का गिरोह सक्रिय हो गया है। ऐसी सूचना मिली है कि झारखंड से लगातार महिलाओं के तस्कर बिहार में अपनी अपनी जड़ी बूटियों की सप्लाई कर रही है। वहीं सावनी मेले के साथ साथ अन्य त्यौहार पर भी इसकी नज़र बनी हुई है। इससे पहले झारखंड से भागलपुर पहुंचे 7 महिलाओं के गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा था। ये महिलाएं जड़ी बूटियां लेकर केसाबोर स्टेशन पहुंची थी। ये जड़ी बूटी ऐसी है कि पुरुष पीने से तहलका मचाने लगता है। यह पूरा मामला चौंकाने वाला रहा। जब सभी महिलाएं झारखंड से साहेबगंज मिर्जा चौक के रहने वाली बताई गई है, जो घर घर जड़ी बूटी पहुंचाने के साथ साथ जो कुछ कर रही थी उसको उनके जेल तक पहुंचा दिया। या इनकी जड़ी बूटी का सेवन करने वाले उन्हें अच्छे से जानते और फिर पहचानते हैं। आपको बता दूं कि जिस जड़ी बूटी के बारे में बात की जा रही है, वह जड़ी बूटी कुछ और नहीं बल्कि शराब है। जी हाँ, बिहार में 2016 से शराब बंदी लागू किया गया। इसके बाद से यहाँ शराब पीना और बेचना दोनों गैरकानूनी हो गया। जब तब से आज तक बिहार में शराब की तस्करी तेजी के साथ की जा रही है। बिहार में शराब तस्करी को लेकर के स्मगलर्स नई नई तरकीबें ईजाद करते रहे। जहाँ इनके सॉफ्ट टारगेट में ऐसी महिलाएं होती है जिन्हें पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहीं झारखंड से बिहार में लगातार शराब की तस्करियाँ की जाती रही है। ऐसे में शराब तस्कर आदिवासी बाहुल्य इलाकों की ऐसी महिलाएं जो जड़ी बूटियाँ बेचने का काम करती है, उनसे शराब की तस्करी करवा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बड़ा सवाल उठा दिया है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि युवा अगर 4 साल में रिटायर होकर के आ जाएगा तो फिर उसे शादी कौन करेगा।
दरअसल दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी नेता कन्हैया कुमार, पवन खेरा और प्रमोद तिवारी ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान कन्हैया कुमार ने कहा कि 47 साल के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार में आई है, ये साबित हो चुका है। इधर कांग्रेस के सांसद और नेता सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए पेश की गई अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के वास्ते रविवार से भी यहां जंतर मंतर पर सत्याग्रह करेंगे। जहां देश भर में युवा इस योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और कई शहरों और फिर कस्बों से हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई है। जहां सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के सांसद, उसकी कार्य समिति के सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी 19 जून को यानी कि आज सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर शुरू होने वाले सत्याग्रह में हिस्सा लेंगे। जहां पार्टी के एक नेता ने कहा है कि ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि अग्निपथ योजना ने हमारे देश के युवाओं को आक्रोशित कर दिया है और वे सड़कों पर उतर करके विरोध प्रकट कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ खड़े रहें। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।